पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल द्वारा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दिल्ली रोड स्थित एक होटल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के अध्यक्ष सीए नितिन कुमार अग्रवाल और उनकी टीम का अधिष्ठापन और क्लब के पूर्व अध्यक्षों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी मंडल 3100 वर्ष 2023-24 के गवर्नर और देश के जाने माने उद्योगपति देवप्रिया ग्रुप के अशोक गुप्ता ने टीम 21 और 22 को शपथ ग्रहण करवाई। इसके पश्चात क्लब अध्यक्ष ने क्लब के सभी पूर्व अध्यक्षों का आभार प्रकट करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय प्रदान किया और मुख्य अतिथि द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष सीए नितिन अग्रवाल द्वारा बताया गया कि रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल रोटरी के मूल वाक्य स्वयं से बढ़कर सेवा का पालन करते हुए कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी अपने सामाजिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए सजग और कटिबद्ध है। क्लब की हमेशा से सेवा कार्यों में आगे रहने की परंपरा रही है और वो इसे आगे बढ़ाते हुए समाज में परिवर्तनकारी योगदान देने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। मुख्य अतिथि अशोक गुप्ता ने क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कुछ बड़े और प्रभावशाली सामाजिक कार्यों को करने का सुझाव और प्रेरणा दी। रोटरी की सदस्य संख्या में वृद्धि का आह्वान किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा महिलाओं के लिए भजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आज हमने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट्स सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा था। साथ ही क्लब की टीम 2021-22 का अधिष्ठापन समारोह भी किया गया था। इस समारोह में मेरठ से आए हुए देश के जाने माने उद्योगपति जो हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 के वर्ष 2023-24 के गवर्नर भी हैं श्री अशोक गुप्ता जी सपत्नी श्रीमती रजनी गुप्ता जी के साथ उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद के लगभग सभी रोटरी क्लब्स के प्रतिनिधि तथा मेरठ से आए विवेक गर्ग जी और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 के सभी अधिकारी जो मुरादाबाद से हैं सभी इसमें उपस्थित रहे। सभी की गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको भी जिम्मेदारी का निर्वहन दिया गया, किस तरह? जी, मैं इस क्लब का मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मेरा प्रयास रहेगा रोटरी का जो मूल वाक्य है स्वयं से बढ़कर सेवा, उसे चरितार्थ करते हुए समाज सेवा में अपना कुछ ना कुछ इस प्रकार का योगदान दें जिससे कि समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन आए। इस अवसर पर आदित्य कुमार गुप्ता को भी एक नया दायित्व सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल में उन्हें सौंपी गई है वो उसका बखूबी पालन करेंगे और आगामी समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। सर, ये आज रोटरी क्लब का कार्यक्रम था, इंस्टॉलेशन प्रोग्राम था, जिसमें हमारे फ्यूचर गवर्नर अशोक गुप्ता जी एज अ चीफ गेस्ट आए थे और इस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के अंदर सब प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, सब नए टीम आती है, डायरेक्टर्स के पद दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब नए आए हैं नितिन अग्रवाल जी, जो यहाँ पे बहुत सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट भी रहे हैं, और मैं आदित्य कुमार, मेरे को यहाँ पे डायरेक्टर का उपाधि दी गई है। और हमारा जो रोटरी क्लब, जो ये हमारा रोटरी क्लब सेंट्रल 3100 है, हमारा एक कम्युनिटी सर्विस, लोगों की सेवा करना, सेवा भावना। जैसे अभी 15 जुलाई था, तो 15 जुलाई में हमारा पर्यावरण दिवस कहते हैं, जिसमें हमने 100 से ज़्यादा गमले हमने RTO में डोनेट करे थे। इसी तरीके से ये इन पूरे 12 महीनों में हमें कुछ ना कुछ, जैसे जैसे हम प्लान आउट करते हैं सर्विस देने के लिए, डोनेट करने के लिए, वो हम लोग करते हैं और अपने बहुत गुड नोट पे जो हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं लोगों के लिए। जी, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उत्साह भरा था। हम लोग कहीं, जैसे हम 4 या 5 डायरेक्टर थे, काफ़ी प्रेसिडेंट ने भी ओथ ली, हमने ओथ लिया, हमने शपथ लिया कि हम अपने 1 साल का जो हमें काम सौंपा गया है हम लोगों की सेवा करते रहें, लोगों का ख्याल रखते रहें, जहां हमें मौका लगे वहां पे हम अपना डोनेशन प्रोवाइड करते रहें। तो ये हमारा आज का हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम था और उसमें अशोक गुप्ता जी जो गवर्नर साहब हैं वो उनको सम्मानित करा हमने, और कई चीफ गेस्ट थे जो सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट रहे, हमने उनको सम्मानित किया हमने। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।